स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विशेष फोरम में। प्रिय साथियों, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना का शुभारंभ किया है, जिस योजना का नाम है सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इस योजना के अंतर्गत जो इच्छुक व्यक्ति अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, वह इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो आपका बिजली का बिल है वो 300 यूनिट तक फ्री हो सकता है। और अगर आप अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाते हैं तो गवर्नमेंट आपको 40% यानी कि 40% तक सब्सिडी भी प्रदान करती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। ये सभी जानकारी आज इस वीडियो में हम आपको देंगे, सो जुड़ रही है हमारी वीडियो के साथ और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी समय पर मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि आप सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए किस प्रकार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आप भी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको गूगल सर्च इंजन में सर्च करना है pmsuryaghar.gov.in, और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो pmsuryaghar.gov.in है। ठीक है, आपको इसी लिंक पर क्लिक करना है, इससे मिलते जुलते लिंक पर क्लिक नहीं करना है। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इसे गौर से देख लीजिए, pmsuryaghar.gov.in। आपको इसी वेबसाइट पर विजिट करना है। जैसे ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ इस टाइप का होगा, जिसमें लेफ्ट साइड में कुल तीन सेक्शन दिए गए होंगे, अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर और सब्सिडी स्ट्रक्चर और इम्प्लांटेड वंडर्स। ठीक है, अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई फॉर रूफ टॉप सोलर पर क्लिक करना है, और अगर आप सब्सिडी स्ट्रक्चर यानी कि अगर आप 1 किलोवाट सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना खर्च होगा उसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप सब्सिडी स्ट्रक्चर पर क्लिक करके इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें चेकआउट कर सकते हैं कि कितने किलोवाट के लिए कितनी सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है। जैसे कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर आप 1 से 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं अपनी छत पर तो आप 0 से 150 यूनिट तक अपनी बिजली का बिल बचा सकते हैं एवरी मंथ यानी कि प्रत्येक महीने। ठीक है, इसके लिए जो गवर्नमेंट है आपको 30,000 से 60,000 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। ऐसे ही अगर आप 2 से 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपनी छत पर लगवाना चाहते हैं तो आप 150 से 300 यूनिट तक बिजली बचा सकते हैं प्रत्येक महीने, जिसके लिए गवर्नमेंट आपको 60 से 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान करेगी। ऐसे ही अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आप 300 यूनिट से अधिक भी बिजली बचा सकते हैं, जिसके लिए मैक्सिमम आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी गवर्नमेंट की ओर से प्रदान की जाएगी। अब बात करते हैं हम कि अप्लाई ऑनलाइन कैसे करते हैं सोलर पैनल के लिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। डॉक्यूमेंट आपको एक तो बिजली का बिल चाहिएगा और जो आपकी छत है या जहाँ पर भी आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वहाँ का एक फ़ोटो चाहिएगा। ये दो डॉक्यूमेंट आपको चाहिएंगे। तो आपको अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जिस भी राज्य में आप रहते हैं वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यानी कि आपको अपना ज़िला सेलेक्ट करना है, जिस भी ज़िले में आप रहते हैं वह ज़िला आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, आपको यहाँ पर वह कंपनी सेलेक्ट करनी है जिस कंपनी से आपका जो बिजली है वह आ रही है। जैसे कि हमारे यहाँ पर पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम से बिजली आ रही है तो हम पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, और कंज्यूमर अकाउंट नंबर में हम यहाँ पर कनेक्शन नंबर टाइप करेंगे जो कि 10 डिजिट्स का होता है, वह हम यहाँ पर टाइप करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इस प्रकार आप स्टेप बाय स्टेप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जिसमें आपका बिजली का बिल अपलोड होगा और जो आपके घर या जहाँ पर भी आप सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं वहाँ का फ़ोटो अपलोड होगा। इस प्रकार आप बड़ी आसानी से सोलर पैनल के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको इससे संबंधित कुछ भी पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नज़दीकी CSC या जन सेवा केंद्र संचालक से संपर्क कर सकते हैं। वह आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल निःशुल्क करेगा क्योंकि गवर्नमेंट उसे कमीशन दे रही है इस चीज़ का। ठीक है, तो आप अपने जन सेवा केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं, वह आपका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो बिल्कुल निःशुल्क
फ्री में भर देगा। ठीक है प्रिय साथियों, आप इस चार्ट की मदद से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट आपको कितनी धनराशि का अनुदान देगी। सपोज कीजिए कि आप अपने घर पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं। इसमें आपको दो तरीके से अनुदान दिया जाएगा, एक केंद्र सरकार की ओर से और एक राज्य सरकार की ओर से। ठीक है 1 किलोवाट अगर आप अपने घर पर सोलर पैनल लगवाते हैं, अगर आप अपने पैसों से सोलर पैनल लगवाते हैं तो इसकी कुल खर्च होता है इस पर 65,000 रुपये। ठीक है लेकिन यहाँ पर सरकार आपको दे रही है 30,000 रुपये का अनुदान, ठीक है केंद्र सरकार देगी, और 15,000 रुपये का अनुदान आपको राज्य सरकार देगी, तो कुल मिलाकर आपको 45,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा सरकार की ओर से। तो जब कुल कीमत लगती है 65,000 रुपये और 45,000 रुपये सरकार आपको दे देगी, तो आपको अपनी जेब से कितने खर्च करने हैं, मात्र 20,000 रुपये। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप अपने घर की छत पर 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं तो आपको केवल 20,000 रुपये खर्च करने होंगे। ठीक है ऐसे ही अगर आप 2 किलोवाट का कनेक्शन अपने घर पर लेते हैं तो 60,000 रुपये का अनुदान केंद्र सरकार देगी, 30,000 रुपये का अनुदान राज्य सरकार देगी, कुल मिलाकर आपको 90,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने पैसों से लगवाते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट आपको 90,000 रुपये की सब्सिडी दे रही है, तो आपको केवल कितने खर्च करने हैं, मात्र 40,000 रुपये। अगर आप 2 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर लगवाना चाहते हैं तो आपको अपनी जेब से मात्र 40,000 रुपये देने होंगे। ऐसे ही 3 किलोवाट के लिए है, ऐसे ही 4 किलोवाट, 5 किलोवाट और आप मैक्सिमम 10 किलोवाट तक आप सोलर पैनल लगवा सकते हैं। ठीक है यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से जो मैक्सिमम आपको अनुदान दिया जा सकता है वो केवल 78,000 रुपये है, 78,000 रुपये से ज़्यादा आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही राज्य सरकार भी आपको मैक्सिमम 30,000 रुपये तक अनुदान दे सकती है, उसके ऊपर आपको अनुदान नहीं दिया जाएगा। ठीक है तो आप अगर 3 किलोवाट का सोलर कनेक्शन अपने घर की छत पर लगवाना चाहते हैं तो 78,000 रुपये तो आपको केंद्र सरकार से मिलेंगे, राज्य सरकार से 30,000 रुपये मिलेंगे, तो कुल आपको 1,08,000 रुपये धनराशि मिलेगी। ऐसे ही अगर आप अपने पैसों से खर्च करके लगाते सोलर पैनल तो आपको 1,80,000 रुपये खर्च करने पड़ते, लेकिन आपको मात्र कितने खर्च करने पड़ेंगे, 72,000 रुपये, क्योंकि गवर्नमेंट आपको 1,08,000 रुपये की तो सब्सिडी देगी, तो आपको अपनी जेब से कितने लगाने हैं 3 किलोवाट कनेक्शन के लिए, 72,000 रुपये। ठीक है तो आप इस चार्ट की मदद से बढ़िया आसानी से समझ सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट का कनेक्शन कितने रुपये में पड़ेगा। ठीक है और आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। जो आपका घरेलू कनेक्शन होता है वो 2 किलोवाट का होता है और 2 किलोवाट में आपका फ्रिज, कूलर ये सब चल जाते हैं।